कारण कवन अबोल, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लिखे, कह रविदास आस लग जीवो, फिर पयो दर्शन देखे, तेरा मुख सुहावा जियो, सहज तुन बाणी चिर होवा देखे, सारंग पाने तन सो देश जहां तू वस्या, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो, होवे सिफत खसमंदी नूर अरसों कुरसों चटिया, खुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, राते रुते थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, तिस विच जी जुगत के रंग, इनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथ सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवे निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र चरण शरण विच अमृत वेले दे इस अवसर नूं संभालदिआं होइआं गुरु गरीब नवाज जी दे चरणा अंदर पहुंच के आप जी ने अपने जीवन नूं भागशाली बनाया है। जपजी साहब जी की व्याख्या विच
जो अखीरले हिस्से विच पांच खंडा दा वर्णन गुरु साहब ने किया है, जिदे विच 34, 35, 36, 37 ये चार पौड़ियां जिहड़ियां हन, इन्हां अंदर सतगुरु ने पांच खंड वर्णन किए हैं। पहला धर्म खंड है, दूसरा ज्ञान खंड है, तीसरा शर्म खंड है, चौथा कर्म खंड और पंजवीं मंजिल है सच खंड। इन्हां पांच खंडा की यात्रा ही धर्म की यात्रा है, जेड़ा इन्हां विचों गुजर जाए लंघे समाप्ति है सच खंड ते जाके, उस तो अगे कोई यात्रा नहीं। और इस यात्रा नू करदा जो साधन है, जो तरीका है, जेड़ियां चीजां इस यात्रा विच वरतियां जांदियां ने, वह सारियां दियां सारियां जपजी साहब की अखीरली पौड़ी विच वर्णन कीतियां ने। इस राह ते तुरन वास्ते जत चाहीदा है, जत पहारा धीरज चाहीदी है, गुरमत चाहीदी है, गुरु का शब्द रूपी हथियार चाहीदा है, हथौड़ा चाहीदा है, गुरु का भौ चाहीदा है, अदब चाहीदा है, तप चाहीदा है। ये सारियां चीजां जिहड़ियां ने, प्रेम दा भांडा चाहीदा और गुरु का शब्द, ये टकसाल दे विच सुरत घड़ी जांदी है ते फिर बंदा यात्रा करदा है। और इहदे विच जो एक अखीरली चीज और पहली चीज वो है नदर, कृपा दृष्टि। अज दे इस खंड दा जिहड़ा वर्णन किया गया है कि धर्म खंड की है, धर्म खंड किस नूं कहिंदे ने, गुरु साहब ने कह भी दिता धर्म खंड का एहो धर्म, ये जिहड़ा उपर लिखिया गया है 34 नंबर पौड़ी विच, ये धर्म खंड दा नियम है। धर्म दे अखरी अर्थ वैसे नियम बनते, कानून बनते ने, कोई ऐसा कानून जिदे विच रह के, कोई ऐसी मर्यादा जिन्हों पाल के बंदा जीवन नू उच्चा चुक सकता, उन्हों कहिंदे ने धर्म। धर्म दा पहला हिस्सा, वैसे तो गुरु साहब ने पिछे बचन किते, एक पंथ है ते एक धर्म है। पंथ कहिंदे ने रस्ते नू, धर्म कहिंदे ने मंजल नू। पर धर्म जेड़ा है उहदे तक पहुंचण वास्ते जेड़ा पंथ चाहीदा है, उहनू भी धर्म ही कहिंदे ने, धर्म दा पहला हिस्सा। इस करके गुरु साहिब ने पहलियां पौड़ियां विच वचन कीता सी कि जे कोई उहदे हुक्म नू मन लैंदा है, उह फिर पंथ ते तुर के जिद्दन धर्म तक चला जांदा है, फिर पंथ दी विचों अगे निकल जांदा है। मन्नै मग ना चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध, उहदा फिर संबंध जिहड़ा धर्म नाल बनना शुरू हो जांदा, इहनू समझ लैणा चाहीदा। पंथ दा अर्थ है जिवें किसी देश की यात्रा करनी होवे, उहदे नक्शे नू क्लास रूम विच बह के समझना, कमरे विच बह के सीखना, ते जिहड़ा सिखा रिहा उहने उह यात्रा कीती होवे। दो गल्लां चाहीदियां, जिहड़े इलाके की यात्रा करनी है उत्थों दा नक्शा चाहीदा है, ते फिर वह नक्शा जिहड़ा है उहदे उत्ते तुरन वाला भी कोई ना कोई, जिहड़ा जिन्हें जा के वेख्या है, उही उस नक्शे की व्याख्या
किसी दूजे नूं दस सकता है। दो चीज़ां चाहीदियां तां मजहब उस नूं कहिंदे ने, पंथ उस नूं कहिंदे ने। जिवें आपां कहिंदे आ इह पंथक है, पंथक दा मतलब राह विच तुर रहा है, सिख रहा है। पंथ दा मतलब है कि किसी कमरे विच बह के किसी देश बारे सीखना कि उहदा नक्शा की है, उहदियां सड़कां किधर नूं जांदियां। पर उहनूं सीख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया ते उत्थे यात्रा शुरू नहीं कीती, फिर वह बंदा मजहबी बन जाता। उसनूं कहिंदे कट्टड़ मजहबी, यानी कि समझ लिया तो तुरिया नहीं, इस करके उन्हूं धर्मी नहीं कहिंदे। वह मजहबी है, समझ लिया, जिसने मजहब नूं समझ लिया, धर्म नूं समझ लिया चंगी तरह, ते मन्ना धर्म सेती संबंध, धर्म सेती संबंध उहदा बणदा। धर्मी वह हुंदा है कि जिहड़ा चंगी तरह पहला समझदा है कि मैं की करना है, ते किवें करना है, ते क्यों करना है। तीन गल्लां पहला इन्हां चीज़ां दे उत्ते समां ला लैंदा चंगी तरह। जदों इन्हां नूं समझ लैंदा है ते फिर जो कुछ समझाया गया उहदे उत्ते तुर पैंदा है, अगे वधदा जांदा है। तां अज दे बचन विच गुरु साहिब ने, गुरु नानक देव जी ने धर्म दे मार्ग दे पहले अंग दा, अंग दी व्याख्या कीती कि सब तों पहला बंदा धर्म विच, इह जिहड़ा पहला खंड है इहनूं कहिंदे ने धर्मशाल। इथों दा वर्णन किया गया कि इत्थे धर्मशाल अंदर अर्थ ने शाला कहिंदे ने किसी चीज़ नूं जिथे पकाया जांदा है। बचन आए ने कि इत्थे राती रुती थिती वार, इत्थे रातां पैंदियां ने, रुत्तां बदलदियां ने, थित्तां ते वार बंदे ने गिण के बनाए ने। फिर इहदे विच तीन तत् अगे कहे ने, पवन पाणी ते अग्नि पताल, इहदे विच तीन तत् कहे ने कि इस धरती दे उत्ते, धरती नूं चलाउण वास्ते, इस धर्मशाला नूं चलाउण वास्ते तीन चीज़ां रब ने बनाईआं, पवन पाणी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। गुरु साहिब ने इत्थे एक इशारा भी कर दिता है, एक इशारा कर दिता भी धरती किहड़े आसरे ते खड़ी है, धरती नूं किन्ने फड़िया होया है। शब्द ने ना कि तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, तिस विच जिवें आपां एक बैग दे विच कुछ पाउने आ, उह बैग उहनूं फड़ के रखदा, डिगण नहीं दिंदा। इह जिहड़ी धरती है इन्नी भारी, इहनूं किन्ने फड़िया होया है। गुरु साहिब ने उह तीन चीज़ां उत्ते गिणियां ने, पवन पाणी ते अग्नि, इहनां तिन्नां दा सुमेल जोड़ आपस विच। पवन दे नाल पाणी जुड़िया होया है, जिथे पवन है उथे पानी भी है, ते जिथे पानी है उथे अग्नि भी है। ये तिन्ना ने एक दूजे नूं फड़िया होया है, पवन ने पानी नूं फड़िया होया है। जे पवन थोड़ा जिहा पानी नूं छड्डदी है, कमजोर पैंदी, ते उथे बारिश हुंदी है, पानी डिग पैंदा। ते जिथे अग्नि घटदी है उथे भी पानी डिग पैंदा, अग ने भी पानी नूं फड़िया। इस तरह जुड़िया हुई ने चीज़ां, हवा ने पानी नूं फड़िया है, अग ने भी पानी नूं फड़िया है। जिवें ठंड के दिनों के अंदर जदों यह तापमान डाउन जाता है, नीवा हो जाता है, आकाश के विच रात नूं सूरज अलोप हो जाता है, तो जदों उत्थे अग्नि तत् घटदा है तो धुंध डिगनी शुरू हो जाती है, कोहरा डिगना शुरू हो जाता है, क्योंकि अग घटी तो पानी डिग पिया। तो यह तीन जड़े ने गुरु साहब ने क्या बनाए, तो तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। इत्थे फिर धरती जड़ी है इनू इन्हां तिन्नां ने आल्यों दुआल्यों फड़िया होया, चुकया, इनू चला रहे ने। तां धर्मशाला दे अर्थ ने जिथे कोई चीज़ बनाई जाती है खाण वास्ते, जिवें शब्द वरत्या जांदा है पाठशाला,
शाला का अर्थ हों जिथे कुछ बनाया जाए सिख्या जाए उन्हू पाठशाला कहें। पाठशाला के अर्थ ने जिथे विद्या सीखी जाती है उन्हू पाठशाला कहें। जिथे भोजन पकाया जाता उन्हू कहें पाकशाला रसोई घर जिन्हू कहें। क्योंकि उत्थे धर्म उत्थे सारिया चीज़ां पईयां होईयां राशन तो पिया है पर रसोई चाहीदी है जिहदे विच पकाउण दा सिस्टम चाहीदा है पकाउण वालियां चीज़ां चाहीदियां ने अग्नि चाहीदी है पानी चाहीदा है बर्तन चाहीदे ने तां उहनू कहिंदे ने पाकशाला यानी कि पकाउण वाली थां जिथे भोजन पकाया जांदा है। गुरु साहिब ने कहा भी जिहड़ी इह धरती है ना ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾਈ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਏ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਜਾਗਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਮ ਸੋਧਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੀਤੀ। ਰੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰਨਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਖਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਨੇ ਬੰਧਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ। ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਬੰਧਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਆਰੰਭਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਧਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਧ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਧਨ ਪਾਇਆ। ਬੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ
सब तो पहला गुरसिख नू गुरु दे बंधन विच पैना पैगा, गुरु दे हुकम रूपी रस्सी नाल उनू अपनी जुबान नू भी बंधना पैगा, अपनियां अखां नू भी बंधना पैगा, अपने कन्नां नू भी बंधना पैगा, अपने हत्थां नू भी ते अपने पैरां नू, तां उहदे बंधन खुलणगे। ये समझ लो जिस बंदे ने अपने शरीर दे सारे कर्म इंद्रियां नू गुरु के हुक्म रूपी रस्सी नाल बन लिया है, वह सिख धर्म खंड विच प्रवेश कर गया है, उहदी एडमिशन हो गई है, उन्हें पढ़ना शुरू कर दिता है। इहदे भावें इहदे विच समा लगेगा इन्हां नू सोधण ते। तां गुरु साहिब दे गुरु नानक देव जी दे घर दे विच परंपरा दे तौर ते एक समागम रखिया गया जदों 9 साल दे सन। तां उह परंपरा की सी कि उस दिन जनेऊ पाया जाना सी, बंधन पाया जाना सी। पंडित जी आ गए, हरदयाल जी बना के लियाए सन, बड़ा वधिया जनेऊ, नवा नवा सी। गुरु साहिब नूं पता सी भी अज इस समागम विच उहनां नूं जनेऊ पाया जाना है, बकरे लियांदे गए, सब कुछ किहा जांदा है, कोहो बकरा रिण खाया ते हद हो गई। कर्म हिंदू मत दा सी जनेऊ पाना, पर बकरे वड्डे जांदे सन मुसलमान मत दे अनुसार, क्योंकि कोहो बकरा रिण खाया, कोह दा मतलब कोह के मारना, और उते सारा प्रबंध, रिश्तेदार भीड़ इकट्ठी हो गई ते गुरु नानक साहब भी विच बैठ गए। पंडित हरदयाल ने हाथ विच जनेऊ फड़िया, कहन लगे नेड़े आओ। जदों इत्थे लियाया गल दे सामने, सतगुरां ने उहदी बांह फड़ ली, कहन लगे कादे वास्ते है? कहिंदे ये साडे धर्म का अंग है, साडी परंपरा है। वह कहिंदे ठीक है, परंपरा चंगी गल है, माड़ी नहीं, मर्यादा ठीक है, पर मैं तुहानू यह पुछना चाहुंना भी यह जिहड़ा धागा तुसीं मेरे गल विच पाउण लगे हो, यह मेरी जिंदगी विच तब्दीली की लियावेगा? ये बड़ा सोहना सवाल सी, और हर एक धार्मिक बंदे नू अपने धर्म के चिन्ह पाउण दे नाल नाल यह भी सोचना चाहीदा है भी आ जिहड़े मैं चिन्ह पा रहा वा, कोई जनेऊ पाए, कोई सुन्नत करे, कोई पंज ककार पाउंदा है, तां इह तां सोचना पएगा भी इह पाउण दे नाल मेरे विच तब्दीली किन्ने कु आई है, फर्क किन्ना कु पिया है। तां सतगुरां ने बांह फड़ ली, कहन लगे हरदयाल जी पा लवांगा, कोई गल नहीं, धागे पाउण लग्या किहड़ा पाप है, पर मैं कपड़े पाए होए ने पहलां, इह वी धागे दे बणे ने। कबीर जी ने कह दिता सी, हम कर सूत तनै नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे। जदों पंडित जी ने कहा ना जनेऊ पाओ, तां कबीर जी कहिंदे तू एक जनेऊ दी गल करना, मेरी ते सारी दुकान ही जनेऊआं दे नाल भरी हुई है, वेख किन्ने धागे ने उत्थे, ते किन्ने खड्डी बुणन वाले ने, जे इहने कम करना सी ते खड्डी वाले सारे मुक्त क्यों नहीं हो गए? इस तरह नहीं हुंदा। और एक गल याद रखना, इहदे अर्थ जिन्ना कु मैं मेरी समझ विच आया, गुरु साहिब ने जनेऊ लाउण दा हुक्म जां इह नहीं वरत्या कि जनेऊ ला दिते जाण। याद रखना जनेऊ लाण दी गल नहीं कीती, इह पुछिया भी जनेऊ दे नाल जो कुछ होना चाहीदा सी होया कि नहीं, उह वापरिया कि नहीं तुहाडी जिंदगी विच। मैं एक दो उदाहरण भी अगे जा के दियांगा कि गुरु नानक साहब का यह शब्द आसा दी वार विच जिहड़ा जनेऊ दे विरोध विच लगता है, उहदे विच सिर्फ यह पुछया गया है कि पा के तुहानू प्राप्त की होया, इहदे अर्थ की ने, इह तां सिंबल सी ना, बाहरों इशारा किया गया। तां जनेऊ दे इह नहीं कहा पंडित नूं भी तूं ला दे, आप नहीं पाया, इह गल सच्ची है। और इहदे प्रमाण मिलदे ने, एक तां सतगुरां दे बचन ने कि तिलक जंजू राखा प्रभ तां का, अगे बचन सांझा करांगा भी इहदे अर्थ की ने। तां सतगुरां ने पंडित हरदयाल जी दी बांह फड़ी,
और कह दिता, कहिंदे सूतर है, धागा है, आ जिहड़ी कमीज मैं पाई है ये भी तो धागे की बनी हुई है, ये भी तो सूतर की बनी, मैनू दसो ये वखरा की फर्क पएगा। जे तुसीं कहिंदे हो तो मैं एक कमीज होर पा लैना। शब्द सन बड़े अजीब। पंडित हरदयाल जी प्रभावित हो गए, श्रद्धालु बन गए इन्ने समय विच ही। ये जिहड़े पंडित हन एक बड़े प्यार वाले ने गुरु नानक साहब दे, बड़े श्रद्धालु बने, समझ गए भी की कह रहे ने, गल तां ठीक है। वह भी वेखते सन, बहुते सियाने लोग उन्हां नूं पता लग जांदा है भी आ साडे समाज विच, आ साडे मजहब विच, आ साडे धर्म विच सारा पखंड है, पता लग जांदा उन्हां नूं। पर बहुते धार्मिक लोग ये समझते ने भी 30-35 साल गुजर गई है, 25-30 साल होर बचे होणगे, निकल जाणगे, ना मूर्खां दे नाल क्यों सिर डाउणा है, तां गलती कर रहे ने सारा। पर कुछ ऐसे होंदे ने उन्हां दी ड्यूटी है, उन्होंने सच कहना है। पंडित हरदयाल जी ऐसे पंडित सन के जिहड़े सच नूं तां समझदे सन, पर वो इन्ने घिरे हुए सन लोगों विच कि जे इधर उधर हिलदे ने तो नुकसान बहुत हुंदा है, इस करके चुप करके करी गए। जदों गुरु साहब ने पुछया भी इहदा की बणेगा, कहन लगे जी ये साडा धर्म का चिन्ह है। सतगुरु ने कहा ठीक है, मैं मानना चिन्ह है तुहाडा, यादगारी है, निशानी है तुहाडे रब दी। पर मैं तुहानू एक गल पुछना, ये धागा ते तां पाया सी तुहाडे रहबरां ने, धागे नाल चीज बन्नी जांदी है, ते मैं तुहानू पुछना भी ये पा के वाशना बजी है तुहाडी, उह ते खुली फिरदी है, शरीर ते पा लिया। धागे का मतलब ही ये सी, रस्सी का मतलब ही ये है कि जिहड़ी चीज दे नाल किसे पशु नूं बन दिता जाए, जिहड़ा किसे दा खेत उजाड़दा पिया, किसे दा हक खो रहा, किसे दी जेब कट रहा, तां धागा तां प्रतीक सी सिर्फ कि धागे दे नाल दो गल्लां हुंदियां ने। जे धागा छोटा रवे ते सूई विच पा दिओ, दो टुकड़ियां नूं स्यों दिंदा है, ते धागा ते खबर दिंदा सी कि जिन्हें पाया है अपने मन नूं गुरु के शब्द नाल स्यों देवे, रब नाल स्यों देवे। इस वास्ते निशानियां दित्तियां सन। ते जे कोई इथों तक नहीं गया, जिहदी जिंदगी बिल्कुल बेतरतीब पशुआं वर्गी है, खेत उजाड़दा फिरदा है, हक खोंदा फिरदा है, भ्रिष्टाचारी है, रिश्वत खोर है, ते इसे धागे नूं थोड़ा जिहा वड्डा कर दिओ, ये रस्सी बन जाएगी, तो उन्हूं बन दिता जाए पशु नूं। आपां बंधने आ ना, कोई कुत्ता पागल हो जाए, हल्का हो जाए, जां उन्हूं बंधिया जांदा है, बन दिता जांदा है, ते जिहड़ा बन्निया भी ना सरे उन्हूं मार दिता जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जिहड़े शस्त्र चुके ओह ही सन, पहलां गुरु साहिब ने समझाया बन्निया बंदे नूं वी इह नहीं करना चाहीदा, इह गलत है, जिहड़े फिर बहुते पागल हो गए उन्हां नूं मार ही दिता, तलवार चुक ले, होर उहदा की करोगे। तां उह जिहड़ा सतगुरां ने कहा भी इह ते बंधन वास्ते सी धागा, पर मैनूं इह दसो भी इह पाउण दे नाल वाशना बज गई है, इस धागे नाल तुसीं अपनियां अखां बन्नियां ने, उह नहीं बजियां, उह ते खुल्लियां ने। इस धागे नूं कन्नां ते बन्निया कि निंदिया ना सुनीए किसे दी, ते अपनी उस्तत दे पिछे दौड़दे फिरीए सारा दिन। इस धागे दे नाल अपने पैर बन्ने ने कि वह गलत पासे ना जाण, वह शराब वाले ठेके वल ना तुरन। इस धागे दे नाल, इस चिन्ह दे नाल अपने हत्थां नूं बन्निया कि वह किसे दी जेब ना कट्टन, किसे दा हक ना खोण, किते धागा नहीं बन्निया, बंधन ते पाया ही नहीं, धागा पा लिया कला। ते सतगुरु ने बचन किते, कहन लगे तग ना इंद्री वाशना नूं कोई धागा नहीं पिया, तग ना इंद्री तग ना नारी, भलके थुक पवै
नित दाड़ी, बड़े बड़े अर्थ ते बड़े बड़े कौड़े जेड़े शब्द ने विच वरते गए ने। सच्चाई है, सामना करना बहुत मुश्किल है। कहन लगे जनेऊ पाउण वालिया हर रोज तेरी दाड़ी ते थुक पैंदी है, वाशना नूं तेरी नूं कोई धागा नहीं बजा, बेतरतीब है। तग ना इंद्री तक ना नारी, नारी दे अर्थ ने नाड़ी, इहदे अर्थ तुसीं आप कढ लेना। भलके थुक पवै नित दाड़ी तग ना पैरी, पैरां नूं धागा नहीं है बजया, बंधन नहीं पिया, खुले ने जिधर मर्जी तुरे फिरदे ने। आम तौर ते ते बंदा एक ने दूजे नूं पुछिया सी किधर जा रहे हैं, उन्हें क्या पता नहीं किधर जा रहे हैं। बंदा लोड़ ले तुरे तां चंगी गल है, लोड़ ले बोले तां चंगी गल है, लोड़ ले किसे ग्रुप विच खड़ा होवे तां चंगी गल है, पर सारा दिन बेतरतीबी तुरना, सारा दिन बेतरतीब बोलना, सारा दिन बेतरतीब ग्रुपां विच खड़े रहना, उहदे की अर्थ हो सकदे ने। कोई उहनूं बंधन नहीं, कोई उहदा नियम नहीं है। निंदिया सुन लग्या इन्हां रस विच डुब जाना, तग ना पैरी तग ना हथी, तग ना जेवा, जबान नू ना झूठ बोलन लग्या तू बंधन पाया है, ना इनू रसा कसा विचों रोकिया है, ना इनू निंदिया करन वालों रस्सी पाई है, ते ना अपनी वड्याई करन वालों इनू रस्सी पाई है। रस कस आप सलाहना, ए करम मेरे करतार। ता तग ना इंद्री तग ना नारी, भलके थुक पवै नित दाड़ी, तग ना पैरी तग ना हथी, तग ना जेबा तग ना अखी, अखां नूं भी कोई धागा नहीं है। फिर कहिंदे वे तगा आपे वटै वतै, वट धागे अवरां घतै। हुण इहनूं आप ही कोई नहीं धागा पिया ते दूजिआं नूं पाएगा, उहनां नूं किवें पै जाणा है। वट धागे अवरां घतै, घतै दा अर्थ पा दिंदा है, लै भाड़ करे वियाहो कढ कागल दसे राहो। सुण वेखो लोकां इहो विडाण, मन अंधा नाउ सुजाण। यह सारा जीवन अंधा है। फिर किवें ठीक होवे, नाल पौड़ी ला दित्ती। कहन लगे साहिब होए दयाल, किरपा करे तां साई कार कराए सी। कार दे अर्थ ने कम, पौड़ियां तां जोड़ियां ने नाल। बाणी सारी तरतीब वार है, श्लोक विच निंदिया पक्ष है कि तू गलत कर रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, गलत वेख रहे हैं। फिर जदों यह सुन के अंदर कंब गया ते उन्हें बेनती की, महाराज मैं तो बड़ा गलत चला गया, हुण किधर जावां। सतगुरां ने विच साहिब नूं लै आंदा। कहन लगे मैं नहीं समझाउणा ते ना मैं लाउणा है, जे तेरे ते रब दयाल हो गया ते की होएगा। साहिब होए दयाल, किरपा करे तां साई कार कराए सी। फिर की अगे, सो सेवक सेवा करे जिस नूं हुक्म बनाए सी। हुक्म मन्या होवै प्रवान, सेवा किन्नू कहिंदे ने। मैं कई बार इहदे उत्ते बहुत वर्णन करना कि सेवा दे अर्थ कम नहीं हुंदे, सेवा दे अर्थ ने अपने आप नूं मारना। मत कहना कि हजार इट ढो दित्ती कि उहदा वड्डा मिल गया है। इट तां इक वी लै आंदी, उहदा मतलब है अपने आप नूं पाणी करना है, अपने आप नूं वहा देना उहदे अगे जिहदे जिहदी इट ढो रहे हां। सलाम जवाब दोवें करै। साड़ी तो जिहड़ी भाषा है, सेवादार बंदा सेवा भी करदा है, मुरशिद दा ते शागिर्द दा रिश्ता है, वह मुरशिद की सेवा भी करी जांदा है, ते शागिर्द जिहड़ा है जिथे झूठा होण लगदा है उत्थे एकदम वकील बन के खड़ा हो जांदा है, इधर उधर वल छल करके अपने आप नूं सच्चा करन दा सिद्ध करदा है, ये कोई सेवा नहीं है। शागिर्द दा एक धर्म है, जे वह किसी थान ते सच्चा भी है ते उहदा मुरशिद उहनूं झूठा कह रहा है, उहदे नाल सहमत हो जाए, ठीक है जिवें तुसीं कहिंदे हो मैं गलत जा रहा, मैनूं सीधे राह ते कर दिओ, उहनूं कहिंदे ने सेवा।
इनू कहिंदे ने हुक्म मन्निया होवै प्रवान। तो गुरु ने हुक्म मना के कोई अपने कोलों कुछ लैना नहीं, अपनी होमे नू पठे नहीं पाने, सिर्फ बंदे दे अंदर दी मत नू तोड़ना हुंदा वी जिहड़ी जकड़ी हुई है पाणी बनाउणा उस नू तां उहदा कुछ कड़िया जाएगा। हुक्म मन्निया होवै प्रवान तां खसमै का महल पाए सी, खसमै भावै सो करै मनो चिंदिया सो फल पाए सी, तां दरगह पैंदा जाए सी प्रवान हो जाएगा होवे। तां इत्थे धर्म खंड दे अर्थ ने पहला गुरु दे बंधन विच आप आउणा, अपने आप नू अपने गल विच रस्सी पा के। गुरु तेग बहादुर साहब जी नू किसे पुछया बंदगी दा भगती दा इबादत दा रस्ता की है, किवें कीती जा सकदी है? हजूर ने कहा बहुत ही औखी गल नहीं, बहुत ही सौखी गल भी नहीं। गुरमत विच जो कुछ कहा गया, धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी बाणी विच जो कुछ कहा गया है, ये दो लफ्ज़ इहदे नाल मिलदे ने। विच जो कुछ कहा गया है ये बहुता करना औखा भी नहीं ते सौखा भी नहीं है। औखा उहनां वास्ते ने जो करना चाहुंदे ने, सौखा उहनां वास्ते ने जो नहीं करना चाहुंदे। ता गुरु तेग बहादुर साहब जी नू जुगत पुछी किसे तरीका केड़ा है रस्ता, ते जवाब देंदे ने कहिंदे बंदगी करनी है ते जे तू अपने घर दे विच पालतू कुत्ता रखिया है उहदे वल ध्यान नाल वेख, चंगी तरह वेख किवें जी रहा है। दरवाजे विच बैठा है, दरवाजे विच बैठ जा, तू भी मालक ना बनी, हाथ विच ना लई कुछ, अधिकारी ना बनी। दूसरी गल, खानदानी पालतू कुत्ता बनी। खानदानी दा मतलब की है? पुराने समय में जदों कोई कुत्ता रखदा सी ना घर विच पालतू, ते उहदा एक टेस्ट करन दा तरीका हुंदा सी कि एक भांडे विच दुध रख के भर के रखिया जांदा सी, ते छड के उस कुत्ते नूं दरवाजे विच बिठा के पासे हो जांदे सन। जे ते कुत्ता हुंदा सी नसल दा असली खानदानी, फिर ते उस भांडे नूं मूंह नहीं सी लाउंदा, क्योंकि उहने उह खाणा जिहड़ा मालक ने देना है, आप देना है उह खाणा है, उहदे चीज दे उत्ते आप जाके हक नहीं करना। ते जे उह हुंदा सी कि आम गवार कुत्ता, तां फिर उस भांडे विच मूंह पा लेना। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂਡੀ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲਿਆ ਵਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਈ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਪਾਲਤੂ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣਨਾ ਉਸਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਸਟਬੀਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਸ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਉਸਦਾ, ਦੁਆਰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉਂ ਸਦਾ ਸਵਾਣ ਤਜਤ ਨੈ ਨਿਤ।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵਫਾਦਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਖੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤਹਿ ਜਾਉ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤ ਰਿਦਾ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਸਨ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਲੈਸਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤ ਰਿਦਾ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ। ਜਿਵੇਂ 38 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ, ਸਹਿਣਾ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੜਾ, ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤ ਰਿਦਾ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਨਵਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਹਟਾ ਲਈਏ, ਦਰਿਆ ਪੁੱਠੇ ਚਲਾ ਦਈਏ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਦਰਮਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾਂ ਸਾਧ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਣਾ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ, ਠੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ ਇਹ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤ ਰਿਦਾ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੈ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ
पर नारी दे नेड़ ना जावे, पर तन गामी ना होवे। यह भी इस धर्म खंड की यह पाठ है, इथों का सिख्या है, लैसन है। अगे बचन कीता, हों तिस कोल घुमाया थोड़ा समय, थोड़ा ही खावे, खावे भी थोड़ा, समय भी घट। इथों का धर्म खंड की यह व्याख्या है, विद्या है। जे किसे पढ़नी होवे ते ए भाई गुरदास जी की पौड़ी चंगी तरह समझ लेनी चाहिए। थोड़ा सौना, लोड़ मात्र खाना, किसे दी निंदिया ना सुननी, पर तन गामी ना होना, निम्रता विच रहना, आम मनुख बन के रहना। ता भाई साहब ने अखीर ते कहा, गुरमुख सोई सहज समावे। ए बंदा धर्म खंड विचों पास हो जाएगा, इहदी उम्मीद बन गई। ता धर्म खंड दे अर्थ कीते, कहिंदे उत्थे राती रुती थिती वार, ये सारे मर्यादा विच ने। रात पैंदी है मर्यादा विच। ता धार्मिक जेड़ा धर्म खंड दा विद्यार्थी है, यात्री है, उहदा जीवन भी दिन रात वांगू मर्यादा विच समय नाल चलन लग पैंदा। बंधना विच बंध पाया मेरे सतगुर पूरे। रुती रुतां भी समय नाल तब्दील हुंदियां ने। ता रुत बदलदी है। ता जेड़ा धर्म खंड दा यात्री है, वह तरीका लभ लैंदा है कि हुण बाजार विच जाना है दुकान ते, उत्थे किहड़ी रुत विच विचरना है, सुभा किवें दा करना है। उत्थों वाला सुभा थोड़ा जिहा चेंज, रुत बदल गई। उत्थों आया शाम नूं रहिरास दा समा हो गया, रुत बदल गई एकदम। फिर किसी नाल गल करनी है, उदों थोड़ी जी रुत तब्दील। ये सारी सिख्या है। रुतां बदल दे अर्थ ने सुभा नूं लोड़ अनुसार थोड़ा जिहा उपरों उपरों चेंज करन दे तरीके, संसार नाल किवें वरतना। रुतां दे नाल जीवन नूं बदलना। बारहवां भी क्या, खैर ये गल्लां बहुत लंबियां ने। थिती वार, थितियां बनाइया, तिथियां बनाइया, थित दे अर्थ ने तिथि, तारीख। ता वो तिथियां तरीखां हन इस खंड दे अंदर, धर्म खंड दे विच वार हन। पवन पाणी अग्नि पाताल, ये तीन तत् ने। एक पाताल है, ये उहदे विच मौजूद ने। ता जिवें पवन जिहड़ा है वह बंदे नूं जिंदा रखदा है, ता धर्म खंड दा विद्यार्थी ये समझ लैंदा है कि नाम ते धर्म बंदे नूं इस तरह जरूरी है जिवें शरीर नूं पवन चाहीदी है, श्वास चाहीदे ने। पाणी जिवें शरीर दी मैल नूं लांदा, इस तरह धर्म खंड दे विच सुचेत रहण वाला यात्री ये समझ लैंदा है कि नाम जिहड़ा है वह अंदर दी मैल नूं लांदा है। अग्नि तापमान जिवें शरीर नूं चलाउंदा है, इस तरह धर्म की गर्दिश शब्द की शक्ति नूं भी समझ लैंदा है। फिर कहिंदे तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, उहदे विच धरती बनाई है धर्म नूं तैयार करन वाली रसोई। धर्मशाला दे अर्थ ने धर्म तैयार करन वाली थां जिथे धर्म पकाया जांदा है। इत्थे ख्याल रखना, गुरु साहिब ने मर्यादा बना दित्ती है, उपदेश दे दिते। जदों असीं अमृत छकिया, गुरु ग्रंथ साहिब विचों हुक्मनामा लिया, उपदेश मिल गया, होर गल्लां समझ लईआं सारियां। ये इस तरह है कि जिवें असीं किसी बाजार दे विचों सुक्का राशन खरीद लैंदे हां, अजे वह खाण वाला नहीं, अजे उहदे विच होर भी कुछ करना है। तां जिहड़ा गुरु साहिब ने सानूं घर दा नितनेम दिता है ना, इकले दा शख्सी तौर ते जिहड़ी नितनेम है, वह ऐसी एक अवस्था है कि जिवें राशन नूं कितों इकट्ठा करके लियाईए, तां फिर उत्थे लिया के तरतीब वार मिला के उहनूं उस थां दे उत्ते, फिर उस थां ते पकाया जांदा है। जदों पक जांदा है, बंद कर दिओ उसनूं, उस थां ते पकाया जांदा है, फिर वह खाधा जांदा है, फिर उहदे नाल शरीर तुलदा है। तां धर्म खंड दे अर्थ ने जीवन दे विच नाम दे भोजन नूं पकाउणा।
तैयार करना, फिर उन्हों खाना, उदे नाल फिर अंदरली तंदुरुस्ती पैदा होंदी है। तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, हजूर कहिंदे तिस विच जी जुगत के रंग। इत्थे अनेक तरह के जीव हन ते उन्हां दे जिउण दे तरीके वक्रे वक्रे हन, जुगतां तरीके वक्रे हन और उन्हां दे नाम जिहड़े ने ओह भी वक्रे ने। तिनके नाम अनेक अनंत, इत्थों तक संसार की व्याख्या की गई। अगे वचन किते कहिंदे करमी करमी होए विचार। इत्थे पहले करमी का अर्थ है कर्म करन वाला मनुख जिहड़ा कर्म कर रहा है। दूसरे करमी का अर्थ है उहदे किते हुए कर्मां का संयोग इकट्ठ। फिर जदों इत्थे बंदा धरती दे उत्ते कर्म करदा है तां उह कर्मां का एक समूह इकट्ठा हो जांदा है, अंदर एक खजाना बन जांदा कर्मां दा, जिवें दे कर्म किते ने। फिर उस कर्म करन वाले कर्मी दी होए विचार, उस अकाल पुरख दे दर दे उत्ते विचार कीती जांदी भी इहने कर्म किवें दे किते ने। वो अकाल पुरख आप सच्चा है, जिथे ये विचारिया जांदा है सच्चा आप, सच्चा दरबार। फिर बंदे दे कर्मां नूं वेख के उन्हूं परखिया जांदा है भी कच्चा है कि पक्का है, ये किहड़े लाइन का मनुख है। तां उत्थे जिहड़े खोटे हन उन्हां नूं बाहर सिट दिता जांदा है। उत्थे कौन प्रवान हुंदे, कहिंदे तिथै सोहन पंच प्रवान। पंच कहिंदे ने चुने होए लोग, अकाल पुरख वाहिगुरु पहलां धर्म खंड विच बंदे नूं भेजदा है। भेजण तों बाद उन्हूं गुरु दे राहीं दसदा है कि तूं किवें किवें इत्थे कर्म करने ने। फिर उहदे कर्मां दी विचार करदा है, जिहदे कर्म शुद्ध हुंदे ने उन्हां नूं चुण लैंदा है। तिथै सोहन पंच प्रवान, उन्हां नूं विच्चों चुणदा है, कढ लैंदा है जिन्हां ने धर्म खंड विच ठीक विद्या पढ़ी है। फिर कहिंदे ने जदों किसी दे कर्म जीवन नूं देखदा है, दो तरह नाल रब खुश हुंदा, ध्यान देना, दो तरीकियां दे नाल। एक ते बंदा कर्म बड़े शुद्ध करे, आचरण बड़ा उच्चा होवे, जिंदगी बड़ी चंगी जीवे, एक ते गुरु हुंदा उहदे ते खुश, हंकारी ना होवे। फिर जीवन उच्चा होवे ते आप हंकारी ना होवे। एक ते गुरु हुंदा उहदे ते खुश, उहदे ते भी रहमत कर सकदा है। एक फिर उस बंदे ते भी खुश हो जांदा कदी कदी जिहदे कर्म अत गलीच हो जांदे ने, पाप बहुते वध जांदे ने, ते पापां तों दुखी हो के पुकार करदा है। जदों पुकारदा है फिर रब उहदे ते दयाल हो जांदा, खुश कि हुण इह दोवां हालतां विच जगयासु हंकारी नहीं होना चाहीदा, चंगे कर्मां दे विच वी, ते जे उह डिग पिया है पतित हो गया है फिर भी हंकारी ना होवे, प्रवान कर लवे। असल विच प्रवान होण दा तरीका ही एक है कि हंकारी ना होना, बाकी कर्म किवें दे ने इह गल वखरी है। तां दो तरह दे लोकां ते उत्थे उह नदरी कर्म, इत्थे कर्म दे अर्थ ने बख्शिश। फिर उन्हां नूं उह वेखदा है ते वेखण तों बाद पवै निशान, निशान दा अर्थ है परखण तों बाद मोर ला देंदा, बई अगे मोर ला के भेज देंदा बई इह ठीक ने, अगे लै चलो दूसरे खंड विच। इन्हां नूं किहड़े विच, जिवें इक बच्चा इक क्लास नूं जदों पास करदा है ना, ते उहदे थले इक उहदे जिहड़े टैस्ट करन वाले जां प्रिंसीपल अपने साइन करदे ने और लिख देंदे ने कि जाओ अगली क्लास विच, अगली क्लास विच चले जाओ। तां इत्थे जिन्हां दे कर्म जीवन उच्चा वेख्या अकाल पुरख वाहिगुरु ने, जां जिहड़े शरण विच आ गए, तां उहनां दी कच पकाई उत्थे पाए, उत्थे उहनां दे कच्चे ते पक्के पण नूं परखिया गया, ते परखण तों बाद जिहड़े पास हो गए
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਧਰਮ ਖੰਡ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ, ਗਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਇਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਭੁੱਖ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਭੁੱਖ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਤਿਰੰਗਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਕਸਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼, ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗਿਆ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਬਦਲੋਗੇ। ਜਾਪੈ, ਜਾਪੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਜਾਏ, ਜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਥਾਂ, ਜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਥਾਂ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਸ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਰਾਮ।